So students, now we are going to discuss the next topic, that is tension in a clamped wire. Okay. So let us consider that यहाँ पे ऐसे दो rigid supports हैं. There are two rigid supports like this, and there is a wire which is, you know, थोड़ा सा loose है, हल्का सा ऐसा loose है. यहाँ पे इस तरह से है. The wire is there. इसका length, initial length L naught है. ठीक है. Now we are decreasing here the temperature. The initial temperature kya hai iska? T hai, and we are going to decrease the temperature by delta T. So if you decrease the temperature, kya hoga? Contraction hoga ki expansion hoga? Student batao, kya hoga, contraction ya expansion? Contraction. Very good. Contraction. Yes. If you increase the temperature, there will be expansion. And if you decrease the temperature, then there will be a contraction. So इस example में हम लोग ले रहे हैं contraction. ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे जो वायर है, इस वायर को हम लोग contract कर दे रहे हैं. ठीक है, तो since the temperature is being reduced, there will be a contraction in the wire. There will be a contraction in the wire. Okay. So यहाँ पे जो thermal contraction होगा length में वो कितना होगा? यानी change in length कितना होगा? Thermal contraction मतलब basically we are talking about change in length. तो कितना होगा बताओ? लेंथ डिक्रीज होगा, बट कितना डिक्रीज होगा तो वो आपको पता है. उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. इतने से लेंथ कम हो जाएगा. यस और नो? यस यस सर. यस यस सर. यस, परफेक्ट. तो यहाँ पे जो यंग मॉडुलस, अगर y अज्यूम कर ले हम लोग, ठीक है, तो द यंग मॉडुलस गिवन इज y, द यंग्स मॉडुलस. द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज y. ठीक है, यंग मॉडुलस जो y दिया हुआ. अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपको पता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, तो यहाँ अब वायर जब ये ऐसा हो जाएगा, जस्ट ऐसा टाइट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो वायर क्या हो जाएगा, इस तरह से टाइट हो जाएगा. वायर जब ऐसा टाइट हो जाएगा तो इसमें टेंशन फोर्स आ जाएगा, राइट. इनिशियली टेंशन नहीं, क्योंकि इनिशियली वो स्लैक है, लूज है, बट अब यहाँ पर टेंशन आ जाएगा, तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, टेंशन अपॉन एरिया. तो यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, वो हम लोग एस ले लेते हैं. तो एस क्या है? एस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. ओके, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. और स्ट्रेन क्या हो गया? स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. ऑलराइट, ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू टी बाई एस टू एल बाई डेल्टा एल. तो आपको टी निकालना है, ठीक है, टेंशन कितना है वायर में, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट. तो लेट अस फाइंड आउट, व्हाट, दैट्स वेरी सिंपल नाउ. टेंशन हो जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस इनटू एस यानी एरिया इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. ठीक है, ओके. और चेंज इन लेंथ आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है आपके पास अल्फा एल नॉट डेल्टा टी. इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू एस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी बाय एल नॉट, एल नॉट एल नॉट. तो यहाँ से जो टेंशन आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है वायर में, जो फोर्स डेवलप हो रहा है, वो फोर्स कितना आ रहा है? तो वो फोर्स आ रहा है यंग्स मॉडुलस वाई एस अल्फा डेल्टा टी, वाई एस अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखिए. वायर में जो
स्ट्रेस या जो टेंशन, सॉरी जो फोर्स या जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो है वाई एस अल्फा डेल्टा टी। एस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वाई इज यंग्स मॉडुलस, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी इज चेंज इन टेंपरेचर। ठीक है, सब लोग प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। तो जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया टेंशन इन अ क्लैम्प वायर, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन अ रॉड एंड अ रिजिड बॉडी। Force between a rod and rigid walls. इसमें क्या है देखिए, यहां पे इस तरह से ये वॉल है और इसके बीच में एक रॉड जो है यहाँ पे क्लैंप करके रख दिया है। ठीक है, रॉड तो इस तरह से, तो ये जो रॉड है इसका इनिशियल लेंथ आप मान लो एल नॉट है। ठीक है, द लेंथ, इनिशियल लेंथ इज एल नॉट एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर हियर बाय डेल्टा टी। ओके, तो जो इनिशियल टेम्परेचर है वो टी है एंड वी आर हीटिंग द रॉड एंड such that its temperature increases by delta T, such that its temperature increases by delta T. तो क्या होगा यहाँ पे, expansion होगा या contraction होगा बताओ? Expansion. Yes. So expansion, right? There will be expansion in the rod. तो अब आप देखो यहाँ पे देयर विल बी एक्सपेंशन इन द रॉड। तो अभी जो रॉड का नेचुरल लेंथ है वो एल नॉट है, इस टेम्परेचर पे टी पे। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अभी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल तो शिफ्ट नहीं होगा, तो टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हो तो एक्चुअली इस रॉड का इस नए टेम्परेचर पे जो लेंथ होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, वो एक नया लेंथ होगा क्योंकि हर टेम्परेचर पे उसका एक अलग नेचुरल लेंथ होता है। तो उसका लेंथ होना चाहिए इस तरह से, मतलब बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये वॉल उसके लेंथ को बढ़ने देगा नहीं, जिसकी वजह से इस रॉड में एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से रॉड जो है वो एक स्ट्रेस आ जाएगा। ये स्ट्रेस किसकी वजह से, वॉल की वजह से। ठीक है, जैसे मैं कभी कभी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे एक आदमी है, ये थोड़ा फनी एग्जांपल है, तो ये आदमी जब गया एक पार्टी में, ठीक है, ये इसने पैंट पहन रखी है, ये इसका बेल्ट है, ठीक है ना, बेल्ट। अब जब वो पार्टी में यू नो खा रहा है खाना, ठीक है, उसके हाथ में ये प्लेट है और वो बहुत यू नो ऐसा खा रहा है जैसे कि जन्मों का भूखा है। ठीक है, तब खाया जा रहा है तो क्या होगा, तो उसका जो पेट है वो पेट यहाँ से एक्सपैंड होना चाहेगा, एक्सपैंड ऐसे, लेकिन वो बेल्ट की वजह से हो नहीं पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो रॉड है ये एक्सपैंड होना चाहता है, इसका नेचुरल लेंथ कुछ और होना चाहता है, मतलब एक्सपैंड होना चाहता है, लेकिन ये वॉल उसको एक्सपैंड नहीं होने दे रहा। तो जिस तरह से यहाँ पे इस बेल्ट की वजह से इस आदमी के पेट में क्या आने वाला है, स्ट्रेस आने वाला है, यस और नो? ये बेल्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है उसके पेट को, यस और नो? यस सर। हाँ, ये कभी कभी एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने, किसी ने भी, कि किसी पार्टी में आपने ज्यादा खा लिया और आपको लग रहा है यार ये बेल्ट बड़ा टाइट हो गया है, तो कुछ लोग साइड में जाके बेल्ट भी ढीला कर लेते हैं। ओके, तो ये जो है यहाँ पे उसका पेट ऐसा है, उसको ऐसा होना है, लेकिन वो बेल्ट ने उसको टाइट करके रखा हुआ है, तो उसका नेचुरल लेंथ इधर तक आना चाहता है, लेकिन बेल्ट ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
एक्चुअली ये एक्सपैंड होना चाहता है, लेकिन वॉल ने उसको क्या कर दिया है, बाल ने क्या करके रखा है उसको, कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे भी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेस आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस हाँ सर। सो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे यहाँ, देखो इट इज अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे भी ये वॉल इज वर्किंग लाइक अ बेल्ट, ठीक है, तो देयर विल बी एक्सपेंशन इन द रॉड, बट ड्यू टू द वॉल्स the rod will not expand, the rod cannot expand, ऐसा बोल सकते हैं, the rod cannot expand to its natural length at that temperature, to its natural length at that temperature, उस particular temperature पे जो उसका natural length है वो उस तक expand नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वहां कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा इन द रॉड, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन इन द रॉड, एंड दिस विल लीड टू थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, ओके। तो उसका फाइनल लेंथ क्या होना चाहिए था, उसका फाइनल लेंथ हो जाना चाहिए था एल नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लेकिन उसका फाइनल लेंथ तो अभी भी यही है एल नॉट, ठीक है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ फिर, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, यस और नो? यस सर। यस, तो उसमें जो आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्शन आया, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ये फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, मतलब जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था उतना ही कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जो एक्सपेंशन वाला पार्ट है दैट हैज टर्न इनटू कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पे जो है जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जो उसका फाइनल लेंथ होना चाहिए था, नेचुरल लेंथ जो उसका होना चाहिए था उस टेम्परेचर पे टी प्लस डेल्टा टी पे, माइनस जो उसका इनिशियल लेंथ है, जिसका आप सब्ट्रैक्ट करोगे एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी माइनस एल नॉट करोगे, दिस विल बिकम एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो वॉल्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द वॉल्स द कॉन्ट्रैक्शन विच इज गिवन बाय एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, इतना कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसके कोरिस्पोंडिंग आप निकाल सकते हो स्ट्रेस, तो आप यूज कर लोगे यंग्स मॉडुलस में से इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो जो वॉल है इधर से वो वॉल रॉड पे क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, इधर से देखो नॉर्मल रिएक्शन है ना, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और इधर से भी क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, जो फोर्स है यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो फोर्स हो गया नॉर्मल रिएक्शन, एरिया मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी ऐसे, इनटू एल बाय डेल्टा एल, यहां से नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यंग्स मॉडुलस एस इनटू डेल्टा एल बाय एल, नाउ दिस इज योर डेल्टा एल और द चेंज इन लेंथ, ये हो जाएगा वाई एस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय एल, तो आप देख सकते हैं फिर से वही फॉर्मूला आ गया जो आपके लिए टॉपिक में आया था, टेंशन इन अ क्लैंप हुआ है, तो सेम सिमिलर फॉर्मूला भी है और सेम फॉर्मूला भी है, ओके। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन पेंडुलम। So, आपको पता है पेंडुलम जो है, पेंडुलम क्लॉक, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, बताइए कितना होता है टाइम पीरियड,
ये हमने डिस्कस किया था ना एसएचएम में, ये होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ठीक है ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया राइट, अभी जो टेम्परेचर उसको हम बढ़ा देते हैं बाय डेल्टा टी, फाइनल टेम्परेचर ये हो जाएगा ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड दिस इज द फाइनल। अगर हम ये टेम्परेचर बढ़ा देते हैं यहाँ पे, सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी तो क्या हो जाएगा ये। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ पे विल रिप्रेजेंट बाय टी डैश ठीक है, क्योंकि दो दो टी यूज हो रहे हैं, ये है टाइम पीरियड जस्ट टू अंडरस्टैंड। और ये जो टी है ये टेम्परेचर, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो टेम्परेचर टी डैश इज टाइम पीरियड, तो इफ यू इंक्रीज दिस तो जो नया लेंथ होगा एल डैश वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एल नॉट, अगर ये एल नॉट है इनिशियल टाइम पीरियड हो जाएगा एल नॉट इन टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ठीक है। तो जो टाइम पीरियड होगा न्यू टाइम पीरियड टी डैश न्यू वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल, एल की जगह एल नॉट की जगह क्या आएगा एल डैश आ जाएगा, तो एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी बाय जी ठीक है ओके। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज ये जो आपको एल नॉट बाय जी है ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस टी न्यू इज इक्वल टू तो 2 पाई अंडर रूट एल नॉट बाय जी को अलग ले लेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ठीक है। बस ये हमने अलग अलग कर दिया दोनों को, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टी न्यू इज इक्वल टू, अब ये है आपका टी डैश यानी ओरिजिनल वाला, हाँ इसको हम टी नॉट भी कह सकते हैं यानी जो इसको ओरिजिनल टाइम पीरियड है ठीक है। तो वो हो जाएगा टी नॉट डैश क्यों लगाया, क्योंकि वो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने यहाँ से टाइम पीरियड को टी डैश से रिप्रेजेंट किया, तो ये ओल्ड और ये न्यू ठीक है इनटू क्या हो जाएगा वन प्लस अल्फा डेल्टा टी रेज टू हाफ ऐसा हो जाएगा। अब ये आ गया, अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि अल्फा जो है वो बहुत छोटा होता है, अल्फा इज फार फार लेस देन वन, तो वी कैन राइट दिस इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्म वन प्लस एक्स रेज टू एन एज वन प्लस एन एक्स ओके। तो जो ये टी न्यू है ये हो जाएगा टी नॉट डैश इंटू वन प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी, वन प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा ठीक है। समझ में आप लोग को यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चेंज कितना हुआ, टी न्यू डैश माइनस टी नॉट डैश आप करोगे ये चेंज है, चेंज इन द टाइम पीरियड, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये क्या आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा टी, और इसको अगर आपने डिवाइड कर दिया ओरिजिनल टाइम से तो आपको फ्रैक्शनल चेंज मिल जाएगा। मैं टी डैश लिखता हूँ तो डेल्टा टी डैश डिवाइड बाय टी डैश, दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, ये आ जाएगा आपका हाफ अल्फा डेल्टा टी डिवाइड बाय टी ठीक है, ये तो नो, तो ये आ जाएगा अपना टोटल फ्रैक्शनल चेंज। अब ये फ्रैक्शनल चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो फटाफट। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों साइड उससे डिवाइड किया ना टी डैश से, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं ना, दोनों साइड आपने डिवाइड किया, मतलब कैंसिल भी कर सकते हो ना उसको, है कि नहीं। नहीं सर, लास्ट सेकंड स्टेप में आपने जो लिखा ना टी डैश न्यू माइनस टी नॉट डैश इक्वल्स टू टी नॉट डैश इनटू 1 बाय 2 इनटू अल्फा डेल्टा टी आएगा ना वहां। अच्छा हाँ यहाँ पे ही आएगा, करेक्ट बोल रही, टी नॉट डैश आएगा यहाँ पे, और जब हम इसको टी नॉट डैश से डिवाइड करेंगे तो वो टी नॉट डैश कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग को जो फ्रैक्शनल चेंज है राइट, जो एक मिनट, जो फ्रैक्शनल चेंज है यहाँ से वो हम लोग क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे जब आप करोगे इसको मल्टीप्लाई तो यहाँ पे ये एक ये भी आ जाएगा टी नॉट डैश, तो टी नॉट डैश से हमने डिवाइड किया है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सही बोल रही हैं, तो जो फ्रैक्शनल चेंज है यहाँ पे डेल्टा टी बाय टी नॉट डैश ये आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा टी, सो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज ठीक है। तो अगर ये फ्रैक्शनल चेंज पॉजिटिव है तो क्या होगा,
तो जो नया टाइम पीरियड है वो ज्यादा होगा, तो क्लॉक स्लो हो जाएगा, क्लॉक विल बिकम स्लो. मतलब जिसको आप अभी 1 सेकेंड कह रहे हो, बाद में आप 1.2 सेकेंड को 1 सेकेंड कहोगे, तो क्लॉक स्लो हो जाएगा. अगर यही फ्रैक्शनल चेंज आपका नेगेटिव है तो हो सकता है आप 0.8 सेकेंड को 1 सेकेंड बोलो, तो आपका क्लॉक फास्ट हो जाएगा. ये पॉइंट समझ में आप लोगों को? यस सर. यस. हाँ, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे इफ ये जो वैल्यू है फ्रैक्शनल चेंज का, इफ हाफ डेल्टा टी, बिकॉज ये टी न्यू माइनस ये है ना, तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो क्लॉक जो है वो स्लो हो जाएगा. मतलब अभी 2 बजना चाहिए तो दिखाएगा आपको 1 बज रहा है. और अगर यही जो चेंज है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, यानी इफ हाफ अल्फा डेल्टा टी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो आपका जो क्लॉक है वो फास्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो नया टाइम पीरियड है, जो टी न्यू आने वाला है टाइम पीरियड, वो कम आ जाएगा टी नॉट डैश, तो क्लॉक फास्ट हो जाएगा. यानी जिस 1 सेकेंड को आप 1 सेकेंड बोल रहे हो, अभी आप हो सकता है 0.8 सेकेंड को आप 1 सेकेंड बोलो, उस केस में क्या हो जाएगा, वो उस केस में फास्ट हो जाएगा. ठीक है, तो वेरी गुड, वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस पॉइंट. आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लो. ठीक है, देन वी विल अगेन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. वी विल टेक सम एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट, या टुमारो वी विल टेक सम एग्जांपल्स, एंड आई आल्सो गिव यू वन प्लान फॉर रिवीजन.